नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। एडिसेट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल आज आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हम सब ने सीखा था किसी लाइन की स्लोप क्या होती है, उस स्लोप को फाइंड आउट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, और हमने ये भी पढ़ा किसी लाइन की अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। हमने बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। लेकिन इन फॉर्म्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सिर्फ हमने फॉर्म्स के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन इनके ऊपर हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो आज हम इन फॉर्म्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 10.2 की हेल्प लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सेसिस एंड वाई एक्सिस। एक्सेसिस और वाई एक्सिस क्या होती है, किसी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हमारे सामने एक कार्टेशियन प्लेन है जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्सेसिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। देखिए बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमारे सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, तो हमें पता होना चाहिए इन दोनों एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। देखिए जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो कैसे हैं, जैसे कि 1.0, 2.0, 3.0 एंड सो ऑन। यानी कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है x.0 के फॉर्म में। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो इसीलिए x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। इसी तरह जो आपके सामने ये y एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसीलिए y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन काफी आसान था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए। What is the second question? Write the equation of the line passing through the point -4, 3 with slope 1/2। यानी कि एक ऐसी लाइन दी गई है जो किसी पॉइंट -4, 3 से पासिंग है और उस लाइन की स्लोप है 1/2। अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वन पॉइंट और एक स्लोप के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। तो यहाँ पर पॉइंट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग x1 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू है 3। तो m x1 y1, ये तीनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें राइट हैंड साइड पर जो डिनोमिनेटर है 2, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2 × y-3 इज इक्वल टू x+4। लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ब्रैकेट्स को ओपन किया, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x-2y+10 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि जब एक पॉइंट गिवन हो, स्लोप गिवन हो, तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 इज, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2√3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्सेसिस एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब देखिए हमारे पास एक ऐसी लाइन गिवन है जो एक्सेसिस के साथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल क्या बना रही है, 75 डिग्री। और ये जो लाइन है किसी एक पॉइंट 2, 2√3 से पासिंग है,
तो हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ये लाइन L हम मान लेते हैं, तो लाइन L की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास एक फार्मूला है, जब एक ही पॉइंट गिवन हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इस इक्वेशन में हमारे पास x1 y1 किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और m क्या है, m इज़ द स्लोप ऑफ लाइन। तो m को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, tan थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल मेड बाय द लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहाँ पर tan 75 डिग्री आएगा। अब 75 डिग्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्चुअली हम पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ये सॉल्व कर लिया था, 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 45 डिग्री है a की वैल्यू, तो हम वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, tan 45 प्लस थीटा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। तो tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, तो सेम इन डिनोमिनेटर। अब एलसीएम लेने के बाद m जो स्लोप है वो हमारे पास ये आ जाती है। आप चाहें तो इसको रैशलाइज कर सकते हैं। जब आप रैशलाइज करेंगे रूट थ्री माइनस वन को, तो उसको हमने रैशलाइज करना है रूट थ्री प्लस वन के साथ। तो न्यूमिरेटर में क्या आएगा, रूट थ्री प्लस वन स्केयर डिवाइड बाय, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। न्यूमिरेटर के अंदर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। तो ये हमारी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आएंगी, डिनोमिनेटर में आएगा थ्री माइनस वन, क्योंकि रूट थ्री का स्केयर क्या होता है, थ्री। अब ये वैल्यू हमारे पास आई है फोर प्लस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। तो जो स्लोप आई है हमारे पास वो कुछ इस तरह से आई है टू प्लस रूट थ्री। अब ये हमारे पास स्लोप है और पॉइंट हमारे पास गिवन है टू कॉमा टू रूट थ्री। तो ये पॉइंट और स्लोप हम इस फॉर्मूला के अंदर रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो अब इस इक्वेशन में हम y1 की वैल्यू क्या लेंगे, टू रूट थ्री, और m जो हमारी स्लोप आई थी वो आई थी 2 प्लस रूट थ्री, और x1 हमारे पास क्या है 2। तो आप चाहें तो इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अंदर x माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, 2 प्लस रूट थ्री एक्स माइनस फोर माइनस टू रूट थ्री। अब दोनों तरफ माइनस टू रूट थ्री है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और y को हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 2 प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। हाँ जी, समझ आ रहा है सबको, क्वेश्चंस काफ़ी आसान लग रहे होंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक डिफरेंट फॉर्म मिल रही है, किसी क्वेश्चन के अंदर कोई सिचुएशन है तो दूसरे क्वेश्चन में हमें उससे थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन मिल रही है। तो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर हम किसी लाइन की इक्वेशन को कैसे लिख रहे हैं, ये सब आप देख रहे हैं और आपको काफी आसान भी लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग एक्सेसिस एट द डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजन विथ स्लोप माइनस टू। यानी कि एक ऐसी लाइन दी गई है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है
थ्री यूनिट्स पर। वो थ्री यूनिट कहाँ पर है? ओरिजन से लेफ्ट साइड पर, यानी कि ओरिजन की अगर हम लेफ़्ट साइड पर थ्री यूनिट देखते हैं तो उस डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करती हैं। और स्लोप क्या गिवन है? माइनस टू। तो उस लाइन के ऊपर पॉइंट क्या गिवन है? माइनस थ्री कॉमा ज़ीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो जो पॉइंट है वो उस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पर भी हम ये फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये कौन सा फार्मूला है? पॉइंट स्लोप फार्मूला। तो इसमें हम y1 की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं 0, m की वैल्यू है माइनस टू और x1 की वैल्यू है माइनस थ्री। माइनस टू को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टर्म्स आती हैं माइनस टू एक्स माइनस सिक्स। तो लास्ट में हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है? 2x प्लस वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, जस्ट हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर यह गिवन था कि जो लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है एट द डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजन। तो हमने स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है। व्हाट इज इन फिफ्थ क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स माइनस वन कॉमा वन एंड टू कॉमा माइनस फोर। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है टू पॉइंट फार्मूला। तो टू पॉइंट फार्मूला हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि अगर एक लाइन दो पॉइंट से पासिंग है, यानी कि एक लाइन के ऊपर अगर हमें दो पॉइंट गिवन है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? एक आर्बिट्रेरी अगर हम पॉइंट ले लेते हैं xy, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये टू पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इन दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को आप एक्स वन वाई वन मान लेंगे और दूसरे पॉइंट को मान लेंगे एक्स टू वाई टू। तो ये वैल्यूज़ आपने इसके अंदर रिप्लेस करनी है। तो पहले पॉइंट को हम ले रहे हैं एक्स वन वाई वन, यानी कि वाई वन की वैल्यू है वन। इसी तरह ऊपर लेफ्ट राइट हैंड साइड पर हमें लेना है वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। इनटू में है एक्स माइनस एक्स वन। अब एक्स वन की वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस वन। अगर आप सेकेंड पॉइंट को एक्स वन वाई वन मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो भी हमारा सॉल्यूशन सेम आता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री इंटू एक्स प्लस वन। नाउ इन द डिनोमिनेटर वी हैव थ्री, तो इस थ्री को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव। तो सभी टर्म्स को हम एक तरफ लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाती है थ्री एक्स प्लस सॉरी फाइव एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को आप पॉइंट स्लोप फार्मूला की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें स्लोप के लिए हम टू पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्चुअली पॉइंट स्लोप फार्मूला की हेल्प से ही हमारा जो ये टू पॉइंट फार्मूला है ड्राइव हुआ है। व्हाट इज़ इन सिक्स क्वेश्चन?
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, ये हमारे पास ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी, और ये पी हमें दिया हुआ है 5 यूनिट्स, और ये परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, यानी कि इसमें एंगल अल्फा हम ले रहे हैं 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वो क्या था, हमारे पास ये फार्मूला था एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, और अल्फा क्या है, दिस इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एंगल अल्फा हमारे पास क्या गिवन है 30 डिग्री, और पी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 5 यूनिट्स। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, वी ऑलरेडी नो रूट 3/2, एंड साइन 30 वैल्यू इज 1/2। टेक एलसीएम एंड गेट इट सॉल्व, रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि हमारे पास एक ऐसी लाइन बन रही है जो कि नॉर्मल फॉर्म में है, यानी कि उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से 5 यूनिट्स, और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। हाँ जी, नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको कैसे लगा, क्या आपको ये क्वेश्चन कहीं से भी मुश्किल लगा? कई स्टूडेंट मानते हैं कि जो नॉर्मल फॉर्म है ये काफी मुश्किल कंसेप्ट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के देखने के बाद, समझने के बाद आपको ये नॉर्मल फॉर्म बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी होगी। तो नॉर्मल फॉर्म से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है मैक्सिमम प्रैक्टिस की। तो नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस की आप मैक्सिमम जो प्रैक्टिस है वो कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सेवंथ क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। पहले हम इस लाइन को समझ लेते हैं, हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि किस पॉइंट से पासिंग है, -3,5 से, और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू टू पॉइंट्स, यानी कि ये लाइन एक ऐसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स लाई करते हैं 2,5, और दूसरा पॉइंट है -3,6। तो हमने इक्वेशन किसकी निकालनी है, एल लाइन की, और L लाइन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, M लाइन के ऊपर। तो हमारे पास लाइन L के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है, या तो हमें एक किसी लाइन के दो पॉइंट पता हो फिर हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर उस लाइन की स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो। अब लाइन L और लाइन L ये आपस में परपेंडिकुलर्स हैं, जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर्स हैं एक दूसरे के ऊपर तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, उन दोनों की जो स्लोप है उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, -1। हम यहाँ पर लाइन L की स्लोप मान लेते हैं m1, और लाइन M की स्लोप मान लेते हैं m2। अब लाइन L की स्लोप हमें नहीं पता, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं m2 स्लोप। M2 स्लोप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 2 पॉइंट फार्मूला। अब लाइन M के ऊपर दो पॉइंट गिवन है, तो दोनों पॉइंट में से हम किसी भी पॉइंट को x1 y1 मान सकते हैं और दूसरे पॉइंट को x2
वाई टू मान सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वाई टू माइनस वाई वन, तो सिक्स माइनस फाइव, और डिनोमिनेटर में है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो माइनस थ्री माइनस टू। तो इस तरह एम टू स्लोप हमारे पास क्या आ जाती है, माइनस वन बाय फाइव। तो जब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से एम वन स्लोप क्या आ जाती है, फाइव, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और अदरवाइज़ ये फार्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। अब लाइन एल के लिए हमारे पास स्लोप ही आ चुकी है और पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम यूज़ कर रहे हैं वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम वन इज़ द स्लोप एंड एक्स वन वाई वन इज़ द पॉइंट ऑन द लाइन। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है, 5, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ये गिवन है माइनस थ्री कॉमा फाइव, और y1 m1 की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू है माइनस थ्री। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, 5x प्लस 15, और जब सभी टर्म्स को हम एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं तो इक्वेशन बन जाती है 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस की जो कंडीशन हमने पहले पढ़ चुके हैं उसको हमने यूज़ किया। एट्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। अब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसी लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है इक्वल इंटरसेप्ट्स पे, यानी कि y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट इक्वल हैं। अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट है B और X इंटरसेप्ट है A, तो ये हमारे पास गिवन है A इज इक्वल टू B, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है 2, 3। तो इस लाइन की हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, किसी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x पॉन a प्लस y पॉन b इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a और b क्या होते हैं, a और b होते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम a और b दोनों को इक्वल फिलअप करेंगे, क्योंकि गिवन है कि बोथ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अब इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट जो 2, 3 दिया गया है लाई करता है, तो इस लाइन के ऊपर हम लाई करवाएंगे, तो 2, 3 विल बी इक्वल टू a, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ ली और उसको फाइंड आउट करना भी सीख लिया। हाँ जी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म आपको कैसी लगी, सबसे आसान लगी होगी, क्योंकि इसमें हमने करना ही क्या है, हमें दो इंटरसेप्ट अगर गिवन है तो हमने किसी लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखनी है, एक्स पॉन ए प्लस वाई पॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये सबसे इजी फॉर्म है। तो चलिए आगे और भी जो हमारे फॉर्म्स हैं उनके प्रैक्टिस भी देख लेते हैं कैसे करनी है। व्हाट इज 9th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्सेसिस। सबसे पहले तो हम इस लाइन को समझ लेते हैं
कि क्या गिवन है। हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है 0.2 और वो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल क्या बना रही है 2π/3। यानी कि इसका इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि एक पॉइंट गिवन है 0.2 और एंगल क्या गिवन है 2π/3। तो यहाँ पर स्लोप के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेन थीटा और थीटा कितना है 2π/3 और 2π/3 की वैल्यू क्या होती है 120। पाई की वैल्यू अगर आप डिग्री में लेते हैं 180 डिग्री तो ये 2π/3 की वैल्यू आती है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है और टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ये जो हमारी स्लोप आई है और पॉइंट हमारे पास गिवन है तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो पॉइंट गिवन है 0.2 तो y1 की वैल्यू क्या आएगी 2, स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x1 की वैल्यू है 0। यहाँ से लाइन की इक्वेशन आ जाती है √3x + y - 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 units बिलो द ओरिजन। यानी कि सेकेंड पार्ट के अंदर अब हमें एक ऐसी लाइन दी गई है जो पहली लाइन के पैरेलल है, यानी कि दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी। तो सेकेंड इक्वेशन में भी हम स्लोप क्या यूज़ करेंगे -√3 और इसके ऊपर जो पॉइंट है वो क्या दिया गया है वाई एक्सिस के, अगर हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं तो वाई एक्सिस के ओरिजिन के नीचे कितनी डिस्टेंस है 2 units। इस तरह पॉइंट हमारे पास क्या बन जाता है 0.-2। अब इस पॉइंट और स्लोप के लिए हम फॉर्मूला वही यूज़ कर रहे हैं y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो पॉइंट हमारे पास क्या है 0.-2 तो y1 की वैल्यू है -2, स्लोप है हमारे पास -√3 और x1 की वैल्यू है 0। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है √3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। वट इज़ इन टेंथ क्वेश्चन, PAB इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, शो दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज़ x/a + y / b इज इक्वल टू 2। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, इसका मिड पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A और B। ए पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं x1, 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं 0, y1। एक्चुअली हमारे पास जो ए पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इसीलिए इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 लेंगे। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हम इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है, वो क्या होता है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। अब मिड पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास AB और x1 की वैल्यू तो x1 ही है और x2 की वैल्यू है 0। इसी तरह y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू हमने y1 ली है तो ये हमारे पास आएगा x1 / 2 x1 y1 / 2। जब हम कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस में a और x1 / 2 को इक्वेट करते हैं तो
तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाती है 2a और y1 की वैल्यू आ जाती है 2b। अब हम यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ करने जा रहे हैं? हम यूज़ करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि हमारे पास x1 y1 क्या है, दीज आर द इंटरसेप्ट्स। x1 इज़ द x इंटरसेप्ट, y1 इज़ द y इंटरसेप्ट। तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x पॉन a प्लस y पॉन b इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं a और b कैपिटल लेटर्स में ले रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो p पॉइंट है उसमें a और b ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या है, 2a, और इसी तरह y इंटरसेप्ट क्या है, 2b। यहाँ से हम 1/2 कॉमन लेंगे और उसको हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, तो इक्वेशन आ जाती है x पॉन a प्लस y पॉन b इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया है। मिड पॉइंट फार्मूला से हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ जाती हैं, और फिर इसके बाद हमने इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ की है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर जब आप x1 और y1 की वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है जिसको हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 इज़, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। वैसे तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट हमने किया था स्लो फार्मूला। स्लो फार्मूला में हमने सीखा था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो जैसे कि ये एक लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट्स गिवन हैं, ए बी सी, तो हमने यह सीखा था ए बी लाइन की स्लोप और बी सी लाइन की स्लोप या फिर ए सी लाइन की स्लोप, इन तीनों लाइंस की जो स्लोप्स होंगी वो इक्वल होंगी। लेकिन अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने किसी लाइन की इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट की हेल्प से हम एक लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, वाई माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हमारा टू पॉइंट फार्मूला है जिसके अंदर हम दोनों पॉइंट्स को रिप्लेस करने जा रहे हैं। वाई टू की वैल्यू क्या है, माइनस टू, और वाई वन की वैल्यू है ज़ीरो। इसी तरह एक्स टू की वैल्यू है माइनस टू और एक्स वन की वैल्यू है 3। तो जब इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस फाइव को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस 6। तो 2x को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ चुकी है जो कि पहले दो पॉइंट से पासिंग है। अब ये तीनों पॉइंट्स हमने कोलिनियर प्रूव करने हैं। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन के ऊपर जो थर्ड पॉइंट है 8,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तब हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो चलिए 8,2 को इसके ऊपर हम लाई करके चेक कर लेते हैं। जब 8,2 को इसके ऊपर चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 6, 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है वो भी इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। हाँ जी, 10.2 के अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस किया। बीच में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस छोड़े हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ,
तब तक ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और जितने भी क्वेश्चन 10.2 के हमने छोड़े हैं, आप उन क्वेश्चंस को अब बिना किसी हेल्प के इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा और इस लेक्चर के बाद और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं सेट लाइन के बारे में पढ़ने के लिए, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।